चलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने किया सोर्स ऑफ प्लांट, सोर्स ऑफ फूड बाय प्लांट। वो प्लांट एक पहला सोर्स हमने देख लिया। अभी आज हम अभी करेंगे एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड, एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक करते हैं, स्प्राउट्स। स्प्राउट्स मीन्स व्हाट? कभी कभी आप लोगों ने घर में खाया होगा कि स्प्राउटेड मूंग, स्प्राउटेड चिकन पी, चना जिसे बोलते हैं, स्प्राउटेड चिकन पी। तो वो जर्मिनेशन होता है, एक टाइप का जो भी सीड है हमारा वो सीड जर्मिनेट होता है, तो ऐसे ग्रो होने लगते, एक व्हाइट लाइक स्ट्रक्चर उसमें से ग्रो होता है, उसे हम स्प्राउट कहते हैं। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्राउटिंग। स्प्राउट क्या है? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स विच आर ईटन एज रो और कुक्ड। उसे हम कच्चा भी खा सकते हैं और कुक करके भी खा सकते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड, ऐसे व्हाइट स्ट्रक्चर ग्रो हो जाना, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड, और उसे ही हम स्प्राउट कहते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स बाय सोकिंग देम। कैसे ये जर्मिनेट होते हैं सीड्स? तो उसे पानी में सोक करना है, सोकिंग देम इन वाटर फॉर फ्यू आवर्स, थोड़े टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए पानी में उसे सोक करो। देन आफ्टर टाइंग इन वेट क्लोथ्स फॉर 2 or 3 days, उसके बाद पानी से निकाल के एक गीले कपड़े में उन्हें 2 से 3 दिन के लिए बांध के रखना है, और उसके बाद उसमें ऐसा व्हाइट लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होने लगेगा। तो उसका मतलब जो भी हमने सीड्स लिए थे और जिस सीड्स को हमने पानी में सोक किया था और बाद में उसे वेट क्लोथ्स में टाई किया, उसमें ही ये व्हाइट स्ट्रक्चर ग्रो हो गया, मतलब वो सीड का क्या हो गया, जर्मिनेशन हो चुका है, उसमें स्प्राउट्स आ चुके हैं। वो जर्मिनेशन होने के बाद वी आर कॉल्ड देम स्प्राउट्स, उसको हम स्प्राउट्स कहेंगे, और ये प्रोसेस को हम स्प्राउटिंग कहेंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्राउटिंग, और वो सीड्स है उसे हम स्प्राउट्स कहेंगे। स्प्राउटिंग ऑफ मूंग बीन और चिकन पी आर वेरी न्यूट्रिएंट्स, मतलब उससे हमें काफी न्यूट्रिशन मिलता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट स्प्राउट्स ट्वाइस अ वीक अगर हम खाते हैं तो दैट इज वेरी गुड फॉर अस। डेली खाओ तो दैट इज द गुड बेटर है, लेकिन अगर हम नहीं खा सकते तो ट्वाइस अ वीक खाना बहुत अच्छी बात है। तो दैट इज स्प्राउट, जर्मिनेशन ऑफ सीड विच आर ईटन रो और कुक्ड। द प्रैक्टिस ऑफ जर्मिनेशन सीड, कैसे उसे जर्मिनेट करते हैं, बाय सोकिंग देम इन वाटर फॉर फ्यू hours and then tying in wet clothes for 2 or 3 days is called sprouting. Clear? Abhi hum karenge animals as a source of food. Animals as a source of food. Kaun se animals hame kya milta hai? सबसे पहले मीट की बात करें तो गॉट है, फिश है, कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिससे हमें मीट मिलता है। एग, हैंस, डॉग्स एक्सेट्रा, और पोल्ट्री बर्ड्स भी एग्स देते हैं, और मिल्क, काउ, बफेलो, गॉट, इन सब से हमें मिल्क मिलता है, और इसी से डेयरी प्रोडक्ट्स भी मिलती है मिल्क से ही। सो ये सारे हमारे सोर्स ऑफ फूड है बाय एनिमल्स, एनिमल्स से हमें जो फूड मिलता है उसकी बात है। नेक्स्ट है हनी। हनी जैसे मध हमने सुना है, शहद अगर हिंदी में बताया तो शहद। हनी, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हनी बीज। बाहर कहीं पे कई जगह आपने देखा होगा कि हनी का पूरा वो बीज बना होता है, और उससे वो नेक्टर, उससे वो जूस निकाल के उसमें से हनी बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चर बाय हनी बीज फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर के नेक्टर से हनी जब वो जूस लेके अपना वो छत्ता बनाती है, और उससे वो जो हनी निकालते हैं उसे ही हम बोलते हैं हनी। इट कंटेन्स, उसमें क्या क्या होता है, शुगर, वाटर, मिनरल्स एंड एंजाइम्स, क्योंकि वो नेक्टर ऑफ फ्लावर है तो उसमें स्वीट जूस रहता है। नेक्टर मतलब स्वीट जूस है, तो वो जूस को हम शुगर बोल सकते हैं। तो शुगर है, वाटर है, मिनरल एंड एंजाइम्स, एंड हनी इज इजीली डाइजेस्टेड। ये डाइजेशन होने में बहुत ही फास्ट डाइजेशन हो जाता है इसका, एंड हैज अ ग्रेट मेडिसिनल वैल्यू। कई सारी चीजों में मेडिसिनल मेडिसिन की तरह हम हनी को यूज भी करते हैं, तो हनी भी एक एनिमल प्रोडक्ट में ही गिना जाता है। नेक्स्ट है एपिकल्चर। एक डिफाइन पूछ लेते हैं कभी कभी, व्हाट इज एपिकल्चर। एपिकल्चर मतलब क्या? तो हनी बी से हनी का निकालना, वो प्रोसेस को हम एपिकल्चर कहते हैं। व्हाट इज द डिफाइन, रियरिंग ऑफ हनी बी ऑन लार्ज स्केल फॉर कलेक्टिंग हनी।
rearing of honeybee on large scale for collecting honey is called apiculture. उसे हम apiculture कहेंगे. नेक्स्ट है हमारा एनिमल एज सोर्स ऑफ फूड. आगे हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक ये नोट्स आप लिख लो. चलो बच्चों, यहाँ पे हमने कर लिया है वैरायटी ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, सोर्सेस ऑफ फूड. तीन टॉपिक हमारे हो चुके हैं. अभी हमारा लास्ट टॉपिक है फ्रॉम दिस चैप्टर इज व्हाट एनिमल्स ईट. व्हाट एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं. सोर्स ऑफ फूड तो है प्लांट एंड एनिमल्स, हमें फूड मिलता है प्लांट और एनिमल्स से, लेकिन एनिमल्स क्या खाते हैं वो हमें इस चैप्टर में देखना है. तो देयर आर द फोर टाइप्स ऑफ एनिमल्स, के कौन कौन सा एनिमल्स है और वो कैसे अपना फूड कंज्यूम करते हैं. उसमें आ जाता है हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनीवरस एंड डिकम्पोजर्स, और एक्स्ट्रा एक आता है स्कैवेंजर्स. हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनीवरस, डिकम्पोजर्स क्या है. हर्बीवरस यहाँ पे मैंने लिखा है हर्बीवरस, हर्बी और वरस दो टर्म अगर हम समझे तो है हर्बी का मीनिंग है प्लांट, हर्बी का ही मीनिंग प्लांट है, और वरस मीन्स ईटन. तो ये वाले जो ग्रुप में आते हैं हर्बीवरस में, उसे हम बोलते हैं प्लांट ईटन, मतलब जो सिर्फ प्लांट खाता है या प्लांट प्रोडक्ट खाता है वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हो गए. उसमें एग्जाम्पल है काउ, गॉट और शिप. काउ, गॉट, शिप एक्सेट्रा कई सारे हैं, पर हमें दो तीन एग्जाम्पल तो याद रखने ही है. तो बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स और भी हैं, जैसे बफेलो है, कोई भी, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मीनिंग समझ लो हर्बी वरस, मतलब हर्बी मीन्स प्लांट और वरस मीन्स ईटन. सो इट्स अ प्लांट ईटिंग एनिमल्स दैट आर कॉल्ड हर्बी वरस. यहाँ से आप अपना डिफाइन भी लिख सकते हो कि दोज एनिमल्स दे कैन ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट दैट आर कॉल्ड हर्बी वरस. खुद डिफाइन भी लिख सकते हो. नेक्स्ट है कार्निवरस. वापस हम वही टर्म देखेंगे कि कार्नी, कार्नी और वरस दो टर्म डिवाइड हो रहा है. कार्नी मतलब के मीट ईट और वरस मीन्स ईटन. वरस मीन्स ईटन, कार्नी मीन्स मीट. तो मीट ईटन एनिमल मतलब जो किसी और एनिमल की फ्लैश को खाता है दैट इज कॉल्ड कार्निवरस. लायन, टाइगर जैसे एनिमल है वो प्लांट नहीं खाते, किसी एनिमल का शिकार करके उसी की फ्लैश खाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मीट ईटन एनिमल, कार्निवरस. तो दोज एनिमल्स विच कैन ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवरस. डिफाइन अगर पूछ ले कार्निवरस की, तो हम लिख सकते हैं कि दोज एनिमल्स विच आर ईटन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवरस. एंड एग्जाम्पल ऑफ कार्निवरस लायन एंड टाइगर. कभी भी अगर आपको सिर्फ डिफाइन पूछी है तो आप साथ में एग्जाम्पल्स मेंशन करना ही, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे. अदरवाइज एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे. नेक्स्ट ओमनीवरस. अगेन ओमनी और वरस. ओमनी मीन्स ऑल एंड वरस मीन्स ईटन. ऑल ईटन जो कुछ भी खा सकता है, सब कुछ खा सकता है, प्लांट, प्लांट प्रोडक्ट और फ्लैश ऑफ एनिमल्स कुछ भी, तो उसे हम कहते हैं ओमनीवरस. इसका एग्जाम्पल बियर है, क्रो है, ह्यूमन है, ह्यूमंस भी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होते हैं. जो सिर्फ प्लांट की प्रोडक्ट खाते हैं दैट आर वेजिटेरियन, और मीट नहीं खाते. इन शॉर्ट एनिमल प्रोडक्ट में मिल्क आता है, मिल्क प्रोडक्ट तो आती है, लेकिन सिर्फ मीट नहीं खाते हैं, वैसे फ्लैश नहीं खाते, तो उन्हें वेजिटेरियन कहते हैं. जो मीट का भी अपने फूड में इंक्लूडेड करते हैं मीट को भी, तो उन्हें नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है. तो ह्यूमंस है काफी सारे ऐसे जो मीट भी खाते हैं, तो वो ओमनीवरस में कंक्लूड किया है कि ऑल ईटन कुछ भी खाते हैं, तो दैट आर ओमनीवरस. नेक्स्ट है डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स मतलब के जो भी चीज है, ऐसे वेरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स जो सब कुछ जो रो डिकेइंग हो चुका मटेरियल है उसे डिकम्पोज कर देते हैं. डिकम्पोज मतलब उसे सॉइल के साथ मिक्सअप कर देते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, तो उन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं. और वो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई. तो ये कैटेगरी हो गई हमारी प्लांट एनिमल्स की, जो वो अपना खाना किस तरीके से लेते हैं. हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनीवरस और डिकम्पोजर्स. प्लांट ईटिंग
मीट ईटिंग और गोट आर ईटिंग। ओमनिवरस में हम लिख सकते हैं दोज एनिमल्स विच कैन ईट बोथ प्लांट एज वेल एज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल इज कॉल्ड ओमनिवरस। और एग्जाम्पल्स, अ डिकम्पोजर आर वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद डिकम्पोज डिकेइंग मटेरियल एंड एग्जाम्पल इज बैक्टेरिया एंड फंगाई। नेक्स्ट इज स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स मतलब एनिमल्स लाइक जैकल एंड वल्चर, ऐसे एनिमल्स होते हैं जैकल वल्चर जैसे, थे ईट द फ्लैश ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल। जो रास्ते में कभी पड़े हुए मिलते हैं एनिमल्स, मरे पड़े मिलते हैं और एक साथ सड़ भी चुके होते हैं, तो उन्हें ये लोग खा लेते हैं और अपनी अर्थ को कीप रखते हैं इन कीपिंग द अर्थ क्लीन। Scavengers means animals like jackal and vulture. They eat the flesh of dead and decaying animals and they help in keeping the earth clean. Clear? ये हो गया animals on the basis of what they eat. मतलब कि अपना last topic what animals eat. यहाँ पे आपका 6th standard का first chapter complete हो चुका है और ये सारे video pause करके अपनी notes भी बनाना और सारे डिफाइंस अच्छे से लिखना। और ये लेसन में कोई भी डाउट है तो प्लीज मैसेज करना और अच्छे से अपने नोटबुक को मेंटेन करना। थैंक यू।